क्या लिखा हुआ है? आजकल की लड़कियां हुसन पे नाज करती हैं। मैं कर पाता नहीं इंग्लिश में बात कर सकती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ लाहौर में, पीछे आपको रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। एकदम से मुझे फील आई मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। अच्छा खैर, इस टाइम मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो ढाबे और वो रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे जो बेसिकली मज़दूरों के ढाबे हैं, जहाँ से मज़दूर खाना खाते हैं या जहाँ से मार्केट के लोग खाना खाते हैं, या जो मतलब ये रेलवे स्टेशन है तो यहाँ आसपास जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो होटल है वो यहाँ के लोगों को कवर कर रहा है। इस तरह हम इन जगहों पे जाएंगे, इन ढाबों पे जाएंगे, डेली वेजेस के लोग आके अपना लंच करते हैं या अपना डिनर करते हैं या वो अपना खाना खाते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी, हम इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट ढाबे जाके ट्राई करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हमें रोटी सालन मिलते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो हम लोग ट्राई करेंगे वो यहाँ पे एक लीमू पानी वाली रेडी खड़ी हुई है रेलवे स्टेशन चौक के अंदर। इसका लीमू पानी पीते हैं, मतलब ये कोई रिव्यू टाइप नहीं है, यहाँ से सिर्फ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सीन हो जाए, उसके बाद जाके अपना रोटी टुकर पाड़ना शुरू करते हैं। पाँच गिलास हमारे बना दें। हाँ, पाँच गिलास। क्या क्या डालते हो आप इसमें? ये चीनी है, ठीक है, पानी है, फिल्टर वाला, सही, बर्फ है, नींबू है, काला नमक, ठीक है। पाँच गिलास अच्छे से ठंडे से ज़रा गर्मी के मुताबिक। तो भाई बड़ी प्यास लगी हुई है। शुक्रिया भाई, बाकी अपने अपने गिलास को ले लो। अच्छा भाई ने रेडी के ऊपर लिखा हुआ है आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं इंग्लिश में बात करती हैं। छोटा गिलास 20 रुपए। यार इस लीमू पानी के एक गिलास ने इतना रिफ्रेश कर दिया है कि ये पूरी जो इतनी धूप है, गर्मी है, धूप तो लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। आज का हमारा पहला मेन कोर्स स्पॉट जो है वो है ये रेलवे स्टेशन चौक के अंदर हाफिज़ होटल। ये हाफिज़ होटल जो है ये बेसिकली रेलवे स्टेशन के जितने भी काम करने वाले लोग हैं या रेलवे स्टेशन पे आने वाले मुसाफिर या गिरदोनवा के जितने भी लोग हैं यहाँ काम करते हैं कुछ भी, ये उनका एक होटल है। अंदर सालन हैवी तरीके से पड़े हैं, कोई 8-10-15 सालन रखे हुए हैं, बारबेक्यू लग रहा है, चपली कबाब लग रहे हैं। क्या सीन चल रहा है भाई? भाईजान बहुत अनेवाह सीन चल रहा है और 24 घंटे सर्विस है। हाँ, और क्लीन, इतना साफ सुथरा होटल इस पूरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा। बाकी मैं सोच रहा था कि यार रेलवे स्टेशन पे ये इस तरह एक मतलब ढाबा है, एक होटल है, और वो इतना साफ है, इतना मज़ेदार सीन है इनका, अंदर सालन रोटियाँ लग रही हैं। अभी खा के चेक करते हैं, पहले भूख बड़ी लगी हुई है यार। ये कड़ी कोड़ा है, ये कीमा है, ये मांस की दाल है, ये चने की दाल है, इसके बाद ये आलू पालक है, ये कोरमा है, ठीक है, वो सब्जी है करेला, प्याज करेला, ये है आलू गोभी, और ये कोफ्ता है, और ये उजड़ी है बकरे की, और ये इसके बाद कलेजी है, वो सामने मगज़ है, ये मूंग का दाल है। मैं कह रहा हूँ मैं इस्लामाबाद से आता हूँ ना, ट्रैवल इधर करता हूँ, आगे हमारा बिजनेस है, जुड़ूंगा ना लाहौर से हमारा माल, जब भी आता हूँ इधर यहाँ पर होटल का जो है ना खाना एक नंबर खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, सही है, और बहुत प्यारा खाना है, मज़ेदार। यार ये हाफिज़ होटल पे बड़ा हैवी सीन लगा हुआ है, अंदर पूरा एंटर होके जो है ना वो एक बाजार टाइप शुरू हो जाता है खानों का, उसके अंदर इन्होंने सही सालन वालन रखे हुए हैं, इस तरफ बारबेक्यू चल रहा है, बड़ा हैवी सीन है यहाँ पे। वो पड़े हैं पकौड़े, और ये कीमा है, आलू कीमा, एक कड़ी पकौड़ा कर दें, और एक ये कीमा, और एक दाल, और उसके अलावा एक ही चिकन कौरमा कर दो, और इधर ही ऊपर ही खाना है सारा। और उस तरफ क्या क्या है? ये उजड़ी है, और ये सामने कलेजी है, वो सामने मगज पड़ा है, ये मूंग का दाल है, ये आलू कोफ्ता है, चिकन आलू कोफ्ता, एक मूंग का दाल, एक कलेजी, और एक ही उजड़ी, ये चीज़ें कर दो, ठीक है। सामने जाने से पहले मैं आपके पास लीटर भेज देगा, ऊपर बैठे, अच्छा बिल्कुल। यार इनके पास चीज़ें इतनी ज़्यादा है, एक तो सामने ब्लू लाइट इस तरह आ रही है जिस तरह मैं किसी स्टूडियो में बैठा हूँ, इन्होंने सामने विंडो पे ब्लू पेपर लगाया हुआ है। हमने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कुछ तकरीबन 5 चीज़ें मंगवाई हैं, साथ में भी चपली कबाब मंगवाए हैं, वो आ रहे हैं। इनके सालन सारे सालन हैं, जो भी जिसका जो दिल करे वो खा सकता है। सबसे पहले मैं खाऊँगा जी गर्मा गर्म रोटी और साथ में कड़ी पकौड़ा। ओहो, गोल गोल पकौड़े हैं इनके, ऐसे वो लंबी चौड़ी शेप वाले पकौड़े नहीं हैं, गोल पकौड़ा साथ में कड़ी। हाँ हाँ,
मैं खाने में मसरूफ हूँ और ये देखो क्या कर रहे हैं भाई जान। आप हमें खाने तो दोगे नहीं जब तक शॉर्ट्स नहीं आ जाते। यार मैं भेजता हूँ, सब्र करो तुम्हारी तरफ। तो गोल गोल पकौड़े और कड़ी, जिस तरह आप कहोगे सही, एक चाटी की लस्सी की बनी हुई पकौड़ी कड़ी होती है। ओहो मुझे सच में घर की याद आ रही है, घर के अंदर कड़ी पकौड़ा होता है, वो वाला लेवल है इसका। अभी मैं ट्राई करने लगा, मुझे ओजरी ओजरी प्रॉपर ऑयली है, साथ में कोई इस तरह ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस बीच में ओजरी पड़ी हुई है। और ये मैंने कोई एक बाइट के अंदर कोई 4-5 पीसेस लगा लिए। ओ मज़ेदार यार, प्रॉपर गली हुई बनी हुई ओजरी, लेकिन टेस्ट उस तरह से नहीं आया जिस तरह मुझे कड़ी का एकदम आया ना, कि लेवल की कड़ी है यार। ओजरी इस तरह लग रहा है जिसने एक सालन पकाया, बीच में थोड़े से नमक मिर्च डाल दिए, इसके अलावा कोई इतना खास टेस्ट नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ है मेरे पास मिक्स दाल, और दाल देखने में, दाल वैसे भी आपको कहीं भी ढाबे की दाल हो उससे अच्छी दाल की मिल ही नहीं सकती है। ओए होए, ऊपर ऐसे तरीके छिट्टा मार के ज़रा दाल बनाई हुई है। और मज़ेदार मिक्स दाल यार, मुझे सरगोधा की दाल याद आ गई जो मैंने सरगोधा में खाई थी, जाल चक्कियों वाली दाल। मतलब उतनी मज़ेदार नहीं है, लेकिन वाकई में दाल बहुत मज़े की है। ओहो बीच में लग रहा है वो चने को क्रश करके ग्रेट किया हुआ, बड़ी ऐसे ना थिक सी दाल है, ऐसे ग्रेवी वाली दाल। दाल में हल्का जैसा जो टेस्ट है वो साबुत जो हरी मिर्च होती है उसका, पुदीना बीच में डाला हुआ है, धनिया डाला हुआ है, उन चीज़ों का प्रॉपर एक फ्लेवर जो है वो मिक्स होकर आ रहा है। अगली चीज़ है हमारे पास बीफ कीमा, बीफ आलू कीमा, क्योंकि हमें चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी मूव ऑन करना पड़ेगा। बीफ कीमा, बीच में एक आलू इन्होंने सजा के दिया कि लो फड़ो एक आलू ही ले लो। कीमा प्रॉपर हाथ से बना हुआ लग रहा है क्योंकि इतने मोटे मोटे उसके चंक्स हैं। मज़ेदार है, कीमे का तो कोई टेस्ट नहीं आया, मतलब एक ऐसा लग रहा है कोई सालन खाया मैंने। यार अगर कभी आपने ढाबे का एक कीमा खाया जिसमें वो तरी थोड़ी सी चुभ रही है, थोड़े स्पाइसेस इसके अंदर ज़्यादा हैं, और कीमे का ऐसा जिस तरह एक मीट का फ्लेवर आना चाहिए वो इसके अंदर नहीं आ रहा, बस आपको लग रहा है गोलियाँ मिली है सालन है। अगली चीज़ है जी कलेजी, कलेजी और साथ में ग्रेवी के अंदर ऐसे डूबती हुई नहाती हुई मज़ेदार कलेजी के बड़े छोटे छोटे से इन्होंने पीस किए हुए हैं। ये डाली जी 2 कलेजियाँ एक नवाले के अंदर, ओए होए 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 होए, ये सही लग रही है मुझे, चीज़ खा के पता लगेगा। वो एक देगी कोरमा होता है जिस तरह वो वाली ग्रेवी है, और बीच में कलेजी, मतलब सख्त बिल्कुल भी नहीं है, च्यूई नहीं है, बड़ी सॉफ्ट सी कलेजी है, सही जिस तरह बेहतरीन पकी होती है। यार कलेजी इंतहाई मज़ेदार है इनकी, एक प्रॉपर जो ईद वाइब होती है, आम देव ताजी गर्म रोटी, कलेजी मज़ेदार, बीच में सही मसाले जो उसकी ग्रेवी जिस तरह बनी हुई है, फ्लेवरफुल पूरी और नरम कलेजी, सबसे ख़ास बात यह है कि वो कलेजी ऐसे मुंह में मैं रखता हूँ, उसको हल्का सा चुबाता हूँ और वो मक्खन मलाई। अगली चीज़ चिकन कोरमा, और चिकन कोरमा इन्होंने शोरबा है, कोरमा नहीं कह सकते, कोरमा थोड़ी सी थिक ग्रेवी के साथ होता है, प्रॉपर शोरबा, ऊपर एक तरी की लेयर है और बीच में एक चिकन का पीस पड़ा हुआ है, साथ में गर्मा गर्मा अभी ताज़ी रोटी हमारे पास आई है, उसके साथ लगा के ये गया आए, मज़ेदार, इंतहाई मज़ेदार एक चिकन शोरबा, मज़ेदार जिस तरह वो तरी वाला नहीं होता घर के अंदर बनता है जिस तरह, बड़ा क्लीन सा शोरबा है और साथ में उसके एक पूरा चिकन का बेहतरीन टेस्ट के साथ पीस पड़ा हुआ है, एक तरी जो अपना मज़ा ऐड कर रही है, और साथ में जिस तरह इसके पूरे मसाले आपको फील हो रहे हैं, इस होटल के जो ग्रेवी है वो बड़ी मज़ेदार है, इन्होंने पता नहीं क्या मसाले वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, इंतहाई मज़ेदार सीन हो रहा है। आलू शोरबे का टेस्ट जिस तरह गर्मियों में लंच में घरों में आलू शोरबा बनता है और तंदूर से रोटी आती है, इसका वो वाला मज़ा आ रहा है। अभी हमारे मेन्यू में हाफिज़ होटल की आखिरी चीज़ जो है इनके 2 चपली कबाब, बीफ चपली कबाब है, साथ में इन्होंने अपना एक रायता दिया हुआ है, और चपली कबाब का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, पेशावरी की तरह साइज़ छोटा लेकिन मोटे मोटे, जिस तरह वो हाथ की एक फील होती है चपली कबाब बनने की, एक प्रॉपर बाइट मैंने बनाई है, तो रायता शायता लगा के चपली कबाब लगा के रोटी के साथ, चपली कबाब का टेस्ट ऐसे जिस तरह आप अगर पेशावर मर्दान किसी ऐसी जगह पर जाओ वो वाली फील आ रही है, लेकिन बीच में एकदम से लगता है कि थोड़ा सा जो पंजाब में सख्त वाला चपली कबाब बनता है वो मिक्स सीन है, प्रॉपर टेस्ट इसके उस तरह, सूखा धनिया इसके अंदर डाला हुआ है, सूखा धनिया चपली कबाब के अंदर एक बड़ा मज़ा ऐड करता है।
अच्छा बेहतरीन एक चपली कबाब। हाँ भी जेडी क्या अच्छा लगा? यार कलेजी बहुत अच्छी थी, चपल कबाब बहुत अच्छा था और वो चिकन वाला शोरबा बहुत अच्छा था। यार भाई ये बात दाल 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 भी अच्छी, दाल और चिकन का, चिकन वाला सारा जितना मजे का टेंडर अंदर का। ओके तुम मुंह अंदर। अभी हम लोग आए हैं जी बाबू होटल, पुराना लंडा बाजार। पुराना लंडा बाजार कौन सी जगह है? रेलवे स्टेशन के कितना दूर है? रेलवे स्टेशन से मशरक वाली साइड पे। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है पुराना लंडा बाजार लाहौर का अंदर। बड़ी खूबसूरत एक प्रॉपर वाइब वाली गलियां इस जगह की। आज दुकानें बंद है इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वरना रश बहुत होता है, चलने की भी जगह नहीं होती। क्या कहना क्या चाह रहा है? वो बाबू है, मेरे बाबू ने थाना पाया। बाबू होटल ये असल में है पठान होटल है। बेसिकली इस पे रोश मिलते हैं, काबुली पुलाव मिलता है, लोबिया मिलता है, इस तरह की इनके पास चीज़ें होती हैं। मतलब पठानों ने एक होटल बनाया हुआ है बड़ा मज़ेदार किस्म का, और यहाँ पे अच्छे अच्छे वो जो है किचन के अंदर खाने बना रहे हैं। अभी हम ट्राई करेंगे। मेरा ख्याल इनकी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो रोश है, लोबिया है, इनके काबुली पुलाव हैं, वो चीज़ें हम खाएंगे। और अंदर माहौल जो है वो प्रॉपर, इन्होंने मतलब चेयर्स भी हैं लेकिन वो बैठने वाला, जिस तरह आप पेशावर वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे जो मिलता है कि वो ऊपर ही उन्होंने कारपेट लगा के और बीच में जगह लगाई होती है, उस तरह से यहाँ पे बैठने का माहौल भी है। भाई बाबू होटल के हमने मंगवाए हैं, इनके एक रोश है, रोश वाली प्लेट में जो है वो रोश के पीसेस पड़े हुए हैं मीट के, और साथ में इन्होंने थोड़ा सा लोबिया डाला हुआ है, एक आलू डाला हुआ है, और रोश के साथ जो एक ऑयल होता है उसका, वो यखनी जो उसकी एक होती है, वो साथ में, साथ एक लोबिया की प्लेट है, और एक हमने प्लेट मंगवाई है काबुली पुलाव की। साथ में इनके नान जो हैं वो असल जो काबुली टाइप नान होते हैं, प्रॉपर खूबसूरत वाले नान, वो इन्होंने दिए हुए हैं। अभी खाना कहाँ से शुरू किया जाए? पहली बाइट मैंने बनाई है प्रॉपर एक रोश का बोटा लगा के, साथ उसको यखनी में डिप करके। ज़्यादा बड़ी बाइट हो गई है भाई। भाई ऑथेंटिक रोश, जिस तरह आप असल रोश का जो टेस्ट होता है, वरना ऐसा होता है कि किसी जगह का खाना ना हो वहाँ पे आप उसको खा रहे हो, जिस तरह ये लाहौर के अंदर हम बैठ के पठानों का खाना खा रहे हैं, तो इस तरह की जगहों पे मज़े का नहीं मिलता। लेकिन ये ऑथेंटिक मज़ेदार रोश है, उसकी वजह यही है कि ये खुद पठानों ने बनाया हुआ है। ऐसे प्रॉपर आपको मीट का वो टेस्ट जो रोश वाला होता है यखनी में प्रॉपर पका हुआ, और साथ में उसकी यखनी का भी वही जायका है, और उसी तरह से ये चिपकी यखनी है जिस तरह से रोश की होनी चाहिए। भाई इंतहाई मज़ेदार मीट, इस तरह रेशे वाला जिस तरह असल ऑथेंटिक रोश के अंदर होता है, कि आप उसको सिर्फ ऐसे कर रहे हैं और वो सारा अलग हो रहा है। साथ में उसकी प्रॉपर यखनी का एक टेस्ट जो उसके बीच में रचा बसा होता है नमकीन गोश्त वाला, सिर्फ ये रोश्ट बनता भी इनके एक दो, सिर्फ इसमें नमक डालते हैं और बाकी ये यखनी के अंदर बनता है, और वही इसका प्रॉपर मीट का टेस्ट, साथ में हल्का सा जो यखनी का एक खट्टा सा आपको टेस्ट है चिपकू चिपकू सा, वो मज़ेदार जायका है। असल रोश मुझे लाहौर में मिला है, मेरी असल अंदर रूह खुश हो रही है। अभी मैं ट्राई करता हूँ इनका लोबिया, जो लोबिया अगर मर्दान और पेशावर जाएँ तो आपको हर 5 कदम के बाद एक ठेला मिलता है जहाँ पे लोबिया बन रहा होता है तवों के ऊपर, और प्रॉपर लोबिया इन्होंने ग्रेवी के साथ बनाया हुआ है, अंदर थिक ग्रेवी है और बीच में लोबिया का सालन बना हुआ है। मज़ेदार लोबिया यार, लेकिन रोश के होते हुए आपका भाई लोबिया को ज़्यादा नहीं खाएगा। लोबिया खुद को एक इतनी फ्लेवर वाली चीज़ नहीं होती, तो इसके अंदर इन्होंने इसके हरी मिर्चें वगैरह डाल के जायका बनाया हुआ है, लेकिन लोबिया जहाँ की चीज़ है पेशावर मर्दान, इसका वो वाला टेस्ट नहीं है। अब बारी है हमारे काबुली पुलाव की। पुलाव के अंदर इन्होंने छोटे छोटे जो है वो मीट के पीसेस डाले हुए हैं, और साथ में ये मीट मुझे किस चीज़ का है लग रहा है, मटन, बेहतरीन मटन काबुली पुलाव, लेकिन ये पंजाबी काबुली पुलाव है। जो असल काबुली पुलाव होता है ये वो नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर जो है उन्होंने वो इसमें यखनी में बना होता है, और साथ आपको चावलों में गीली फील होती है यखनी की। ये ड्राई पुलाव टाइप है लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है, जिस तरह से होता है मीठा नमकीन उस टाइप का मिक्स है। बोटे नीचे पड़े हैं, बोटे, ओह मैंने पूरी एक बोटी ढूंढ के निकाली है बीच में से। यार रोश का टेस्ट जो है वो ऑथेंटिक टेस्ट है जो रोश का होता है, मज़ेदार एक टेस्ट, जिस तरह से एक प्रॉपर फ्लेवर्स मीट का टेस्ट होता है। काबुली पुलाव और लोबिया वो फ्यूजन टाइप है, एक पंजाबी टच उसके अंदर है, कि वो जो काबुली पुलाव है तो ख़ास तौर पे जो है वो चीज़ नहीं है जो असल होती है काबुली पुलाव में। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मज़े का, अगर आप यहाँ पे लाहौर के अंदर रहते हुए इन खानों को ट्राई करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो फिर ये बहुत मज़ेदार चीज़ है।
चाय देखने में जो नस्ली लग रही है भाई, ओए होए होए प्रॉपर झाग वाली चाय, ओए होए होए मज़ेदार। खाने से ज़्यादा तो मुझे मज़ा चाय में आया। ओए रोश बहुत मज़े का था, बाकी चीज़ें नॉर्मल थी लेकिन चाय बहुत मज़ा करवा गई एंड पे। हम पहुंच चुके हैं जी अपने अगले स्पॉट पे जो कि जट्टे की दाल। जट्टे की दाल जो मैंने एक लाहौर के एक एपिसोड किया था 1000 रुपये के अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं, जट्टे की दाल हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर भी खाई थी। ये दाल मुझे मतलब लाहौर के अंदर मेरी फेवरेट जो दाल है वो है जट्टे की दाल, देसी घी में और प्रॉपर जो है वो देसी चिकन वगैरह डाल के ये बनाते हैं, इंतहाई मज़ेदार। तो हमने सोचा कि आज फिर जो है वो जट्टे की दाल को करना चाहिए। अभी टाइम हो चुका है 4:49 और जो लंच का टाइम गुजर चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बड़े सुकून माहौल के अंदर हम बैठ के खा सकते हैं। इन्होंने सामने वो बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, उसमें दाल होती है साथ में देसी चिकन रखा होता है, उसको ये तड़का लगाते हैं दाल को। तड़का लगाने के बाद पूरी आग के साथ एक बड़ा मज़ेदार सीन बनाते हैं ये। फिर उसके बाद ये वो देसी चिकन के ऊपर जो है वो तड़के लगी हुई दाल डालते हैं। अभी मुझे नीचे होके जाना पड़ेगा इनके शटर से और अंदर जा के खाएंगे हम अपनी दाल। जट्टे की दाल हमने ऑर्डर की है, एक फ्राई दाल विद देसी मुर्गा, उसका लेग पीस पूरा उन्होंने साथ दिया है और साथ में गरम गरम रोटियां जो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, साथ में सलाद की एक प्लेट है और ये मज़ेदार सी एक जट्टे की दाल की साथ आई। ऊपर जो तड़का लगा के एक करीब वाला टच बीच में उन्होंने मारा हुआ है ना, तो पहली बाइट देसी मुर्गा तड़के वाली दाल। ओए मज़ेदार चने की दाल, प्रॉपर तड़का लगा हुआ, हरी मिर्चें कटी हुई, धनिया डला हुआ। इसको हमने पहले भी खाया, मेरी एक लाहौर के अंदर ये अच्छी खासी फेवरेट लिस्ट में है। इन्होंने बीच में जो है वो देसी चिकन, सही जो असल देसी चिकन होता है उसका ज़रा लीन मीट वो साथ में डाला हुआ है, बीच में तड़का लगी हुई दाल है, जो दाल की ग्रेवी बड़ी थिक सी और बड़े फ्लेवर्स आते हैं आपको पूरे देसी घी के, बीच में एक प्रॉपर वाइब आती है, देसी घी का तड़का इससे लगा होता है और साथ में मतलब एक दाल आप खाते हो ना आपके मुँह में एक फील होता है कि अच्छी जो एक ढाबे की ट्रकों वाले होटल की जिस तरह दाल होती है वो वाला सीन है। इसको दोपहर के अंदर खाया जाए, मतलब अभी भी लंच वाला सीन है लेकिन प्रॉपर लंच के टाइम अगर आप भूख के साथ यहाँ पे आओ तो गर्मा गर्म रोटी के साथ ये मज़ा करवा देती है भाई। लास्ट टाइम जब मैं जट्टे की दाल पे आया था वो था लंच का टाइम, इधर माहौल लगा हुआ था, बार बार दाल जो है वो फ्राई हो रही है, रोटियाँ बन रही हैं, बड़ा सीन चल रहा था। आज खैर हम लंच से काफ़ी लेट हैं तो इस वजह से वो ज़रा सीन कम था लेकिन टेस्ट इसका वही था। हाँ भाई क्या हाल है आप लोगों का, जट्टे की दाल खाते हो? क्यों नहीं, हमारे पास ही है दाल। पास ही है दाल, दाल तो अभी दूर है आपसे। बोलो ए, 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 ए बी, बी सी, सी बोलो RHS RHS पैसे दिए मैंने 50 रुपए। हमारी लंच वाली काफ़ी चीज़ें होगी तो अभी हम लोग आए हैं मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ही माशाल्लाह नफीस कसूरी फलूदा खाने के लिए। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिरोजपुर रोड से अगर गुजरते हो तो पूरी फिरोजपुर रोड पे गुजरते हुए ये चमकीली तरीन शीशों में चमकती हुई दुकान एक नज़र आती है, ये कसूरी फलूदा, माशाल्लाह नफीस कसूरी फलूदा। इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, अभी चेक करते हैं कि क्या क्या है और हमने क्या खाना है इनसे। क्या क्या है? कुल्फी वाला प्याला 220 का है, बगैर कुल्फी के 200 का है, रबड़ी शेक होता है, रबड़ी दूध है, स्टीम रोस्ट है। यार ये यहाँ पे फलूदे और शेक वगैरह के लिए बर्फ़ तोड़ रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि उसकी ठंड जो है वो अच्छी खासी फील हो रही है, मतलब उस बर्फ़ को देख के मज़ा आ रहा है, क्या है गर्मी में इतनी ठंडी ठंडी बर्फ़। भाई हम लोगों ने मंगवाया कुल्फी फलूदा और साथ में रबड़ी मिल्क शेक। अब रबड़ी तो आपने, रबड़ी दूध तो आपने पिया होगा, दूध के अंदर जो रबड़ी वाला एक सीन होता है, ये रबड़ी मिल्क शेक है, उसी को ये सारा वो शेक की तरह जी ही कर देते हैं। हाँ और उसके बाद ये पूरा एक शेक की मतलब चॉकलेट शेक लग रहा है ये। ओए होए 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 मज़ेदार, मतलब जो रबड़ी दूध होता है वही तकरीबन चीज़ है, खोए वाला ये मिल्क शेक है, बीच में प्रॉपर वो वाली फील है जिस तरह आप थिक केक शेक पी रहे हो रबड़ी के फ्लेवर का। खींचना बहुत पड़ रहा है भाई, जुल्म करना पड़ रहा है इसको खींचने के लिए, लेकिन नस्ली चीज़ मज़ेदार।
हमारे पास आया है माशाल्लाह कसूरी फलूदा का फलूदा विद डबल कुल्फी, और अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो इसमें है दो दर्द कुल्फियाँ, साथ में है सेवियाँ, और साथ में जवाब साहब आपसे ना हो पाएगा, रहने दो, लाओ इधर दे दो। ये इसने मुझे स्पेशल कहा था कि इस तरह कार मैंने के कर ले। अच्छा खैर भाई, अभी जिस तरह जवाब साहब ने आपको रिव्यू दिया कि डबल कुल्फी के साथ हमारे पास फलूदा है, अंदर इन्होंने शदीद करके खोया डाला हुआ है, सेवियाँ डाली हुई हैं, शीरा डाला हुआ है, और कुल्फी साबुत कुल्फियाँ पड़ी हुई हैं ऊपर। ओहो ओए यार, वही जिस तरह से प्रॉपर शेक में फ्लेवर था खोया इनका, वही है, वही फ्लेवर इसमें आ रहे हैं, साथ सेवियाँ और शीरे का टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। ओए कुल्फी ऐसे खालस थिक खोए वाली कुल्फी जैसे होती है ना, वो वाला सीन है। एंड पे गर्मी, जितनी आज गर्मी हुई है ना, एंड पे मज़ा आ गया ये चीज़ें खा के, ठंडी मीठी। दोनों चीज़ों का टेस्ट सेम है, फॉर्म डिफरेंट है, और टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। जिस तरह आपको एक एक थिक जो खोया होता है ना, मज़ेदार खोए का टेस्ट होता है, वो वाला सीन है। तो आप प्रॉपर ये कभी भी फिरोजपुर रोड से गुजर रहे हो, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा फल होता है। खैर भी शाम हो चुकी है, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, आपने लाजमी बताना है। मज़दूरों का स्ट्रीट फूड और ये वाले ढाबे और ये रेस्टोरेंट्स आपको देख के कैसा लगा, इसका पार्ट टू होना चाहिए कि नहीं। मुझे इस तरह के और काफ़ी रेस्टोरेंट्स का पता है, जहाँ से इस तरह बाज़ारों के लोग जो मतलब दुकानदार या इस तरह के लोग वहाँ जाके खाना खाते हैं, उस पर अगर पार्ट टू हम करें तो कैसा लगेगा, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई को दो हमें याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।